हेलो दोस्तों, हैप्पी होली। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल नए तरीके का गुजिया। तो ये बास्केट गुजिया आप देख सकते हैं आपके जो सामने है, ये बिल्कुल नया तरीके का गुजिया है। और ये बास्केट गुजिया बनाऊंगी मैं अपने घर पे, तो आप इस गुजिया को होली पे जरूर ट्राई करें। तो देखिए, हम सबसे पहले कढ़ाई में एक छोटा चम्मच घी डाल के उसमें दो चम्मच हम खाने वाला चम्मच से सूजी को भून लेंगे 3 से 4 मिनट। और जैसे ही हमारा सूजी भुनेगा, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या डालना है, लेकिन आप सूजी को पहले 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे भून लें। चलाते हुए मैं भून रही हूँ। तो इस गुजिया की खासियत यह है कि बहुत ही करारा बनेगा और आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बिल्कुल नया तरीके का गुजिया है। तो हम ड्राई फ्रूट डाल लिए, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा बारीक काट के डाल लें। 100 ग्राम हम यहाँ पे खोया यानी कि मावा यूज की हूँ, और मावा को हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। तो ध्यान में रख के आप भूने कि मावा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए और एक अच्छा सा खुशबू आने लगे जब तक हमें मावा को भून लेना है। तो मावा भूनने से बहुत ही टेस्टी बनता है गुजिया, इसलिए हम मावा को भून रहे हैं। तो आप देखे होंगे मार्केट से जब भी खरीद के खाते हैं आप, उसमें मावा डाला हुआ होता है गुजिया में, तो हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन हम वैसा नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, हम ठंडा होने के बाद में फिलिंग को मावा को उसमें चीनी ऐड की हूँ, यानी कि गर्म में हम ऐड नहीं किए हैं। हम यहाँ पे 50 ग्राम मैदा लिए हैं, उसमें हम डाल रहे हैं 1 खाने वाला चम्मच घी। यहाँ पे मैं 50 ग्राम मैदा का बना रही हूँ, आप चाहे तो अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो अच्छा से हमें मोयन दे देना है, मोयन को बढ़िया से मिलाएंगे उतना ही खास्ता गुजिया बन के रेडी होगा। तो ये मैं गुजिया आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ, बाकी तो मैं होली में बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छा बाइंड हो जा रहा है, यानी कि हमारा मोयन बिल्कुल सही है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सा डो रेडी करेंगे। और डो रेडी करने के बाद में 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसे निकाल के अब बिल्कुल मुलायम कर लेंगे। और एक बड़ा सा हम लोई बना लेंगे। देखिए, थोड़ा सा सूखा मैदा डालते हुए इसे हम बड़ा सा कर ले रहे हैं लोई को, कि बेलने में परेशानी ना हो। थोड़ा सा बेलन में भी मैदा लगा के अच्छा से हमें बेल लेना है। तो ये जो गुजिया बनेगी बिल्कुल मार्केट से हटके और नया डिजाइन में, और इस होली में आपको बहुत ही मजा आएगा इस गुजिया को खा के, तो आप जरूर ट्राई करें। तो इस रोटी को हमें बिल्कुल बड़ा सा बेल लेना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए कितना ईजी है। तो मैदा बेलते वक्त सिंक होता है, लेकिन आप ध्यान से बेलें और जल्दी बेल जाएगा ये। और देखिए, बड़ा सा रोटी बना के उसके बाद गिलास से हमें पूरी के जैसा कट कर लेना है। अब हमें सारा कट किया हुआ निकाल लेना है पूरी को, और कॉर्नर को भी हम लोई बना के सेम तरीके से बना लेंगे गुजिया के लिए पूरी। देखिए, हम एक ले लिए हैं पूरी को, और बिल्कुल हम इसे कागज के जैसे पतला बेलेंगे। देख सकते हैं मैं पतला बेली, लेकिन थोड़ा सा और बेलती हूँ मैं। तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल पतला ही पूरी हो। तो सारा पूरी को इस तरह से रेडी कर लें बेल बेल के आप, और एक पूरी को हम उठाएंगे और पिज्जा कटर से बिल्कुल लाइन लाइन बना के रेडी करेंगे। यानी कि हम डिजाइन दे रहे हैं, दोनों कॉर्नर से काट नहीं रहे हैं, चिपका हुआ है। ध्यान में रखते हुए काटें कि दोनों कॉर्नर हमारा चिपका रहना चाहिए। और थोड़ा सा हम पानी लगाते हुए और कॉर्नर पे और दूसरा पूरी को ला के चिपका देंगे, और हथेलियों पे उठा के, और फीलिंग देख सकते हैं आप। मैं जब फीलिंग ठंडा हो गया था, जब ही जाके मैं चीनी को डाली थी, मावा ठंडा होने के बाद में चीनी बिल्कुल साबुत साबुत दिख रहा। और ये जब कढ़ाई में तलेंगे हम गुजिया को, तो बहुत ही अच्छा घुल जाता है मावा के साथ, तो खाने में बहुत ही मजा आता है। तो पानी से हल्का सा चिपका लिए हैं कॉर्नर को, और कॉर्नर को हमें बिल्कुल शार्प यानी कि बिल्कुल पतला थोड़ा सा हाथों में मैदा लगा के कर लेना है। और आप देख सकते हैं मैं इसे गूथ ले रही हूँ। तो गूथने का तरीका मैं आपको दूसरा गुजिया में बता रखी हूँ, और इसमें भी बता रही हूँ। देखिए कितना आसानी से इस तरह से गुजिया हाथों से बन के रेडी जाता है। तो इसे हम एक नया लुक दिए हैं। तो देखिए, इस हम दोनों को अपना दोनों उंगलियों के बीच में ला के और कॉर्नर को इस तरह से हम चिपका लेंगे। तो ये हमारा बास्केट गुजिया इस तरीके से देखने में लगेगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और गुजिया से ये हटके और क्रिस्पी लगता है ज्यादा खाने में, क्योंकि इस पे लेयरिंग जो बन रहा है बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं एक और बना के दिखाती हूँ। तो सेम हम फिलिंग भर के और चिपका लिए हैं, और इस तरीके से हम इसे बढ़िया से गूंथ लेंगे। देखिए, तो बहुत ही ईजी है इस गुजिया को बनाना,
तो आप भी इस होली पे नया लुक का गुजिया बना सकते हैं अपने फैमिली गेस्ट के लिए। तो देखिए हम थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं कॉर्नर पे, ध्यान से चिपका रहे हैं कि ये फूले ना, और यहाँ पे हमारा बास्केट गुजिया बन के रेडी है। तो सारा हम गुजिया को इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो इसे बनाना तो आप देख ही लिए हैं कितना ईजी है और कितना आसान है, और देखने में उतना ही खूबसूरत और खाने में उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी। तो देखिए मैं एक और आपको गूंथ के दिखा देती हूँ कि कोई आपको डाउट ना रहे कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो आपको हमारा रेसिपी कैसा लगता है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ट्राई किए कि नहीं किए आप जरूर लिखें, और ट्राई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपना रेसिपी का फोटो पोस्ट कर सकते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए हम सेम प्रोसेस से दोनों उंगली का बीच में रखते हुए और ज्वाइंट को ज्वाइंट करते हुए हमारा ये भी बास्केट बन के रेडी है। तो पीछे से भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और आगे से भी। तेल हम गरम करके लो फ्लेम कर लिए हैं, यानी कि हमें हाई फ्लेम पे नहीं हमें गुजिया को तलना है, लो फ्लेम पे ही इसे हम बनाएंगे, जब भी जाके बिल्कुल खास्ता और क्रिस्पी ये बास्केट गुजिया घर पे बन के रेडी होगा। तो ये बास्केट गुजिया बिल्कुल न्यू है यूट्यूब पे, तो आप इस गुजिया को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, और आपके जो गेस्ट आएंगे होली पे वो भी बोलेंगे क्या बनाया है गुजिया आप। तो इस तरह से आप अपने गेस्ट को नए तरीके का गुजिया बना के और खिलाएं और वाहवाही लूटें। तो आप देख सकते हैं हमें अलट पलट के बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसे हम पका लेंगे, और अब हम इसे निकाल के रख लेते हैं प्लेट में। तो हमारा गुजिया बिल्कुल रेडी है और एक भी गुजिया हमारा खुला नहीं है। 50 ग्राम में मैं 5 से 6 गुजिया बना के रेडी की हूँ, तो आप जितना हो सकता हो बना के रेडी कर सकते हैं। एक प्लेट में हम सर्व कर लिए हैं, मैं इसे दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है। तो डिजाइन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लजीज लग रहा है देखने में। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी होली दोस्तों।